हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप खुद को चेक करें कि आपका स्कोर कार्ड आ रहा है और आपने कितनी तैयारी की है। लाइनमैन, एसएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन और क्लर्क के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला जोहात जी मेला किससे जुड़ा है? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। बताइए, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे, सोचना है, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, जब भी जोहात जी मेला की बात होती है तो सिंपल सी बात है, गुरु नानक देव आपको याद रखना है। अगर सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, लाइनमैन, एसएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं सिंपली व्हाट्सएप कर लें। निर्मंड का भूंडा उत्सव किस अंतराल पर आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आता होगा। क्या 6 साल के बाद, 9 साल के बाद, 12 साल के बाद या फिर 25 साल के बाद? यहाँ पर बात हो रही है निर्मंड का भूंडा उत्सव। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 साल। फ्रेंड्स, जब भी हम टॉपिक की बात करते हैं तो देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फेस्टिवल आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, किसने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर चंबा का नाम रखा? सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहिल वर्मन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कांगड़ा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? फ्रेंड्स, क्या संसार चंद, घमंड चंद, भूमाचंद या फिर यहाँ पर सुशर्मा चंद? बताना है, कांगड़े के किले की यहाँ पर बात हो रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनवाया था। क्लियर फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास टाइम है लाइनमैन, एसएससी, फिटर के लिए। जल्दी से क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिरों का स्थान है, सिंपल सा है, सभी को आता होगा, ठीक है। भरमौर इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ऑप्शंस जल्दी से रीड करिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि 1996-1997, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये याद रख लेना, 1996-97। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, पेंटिंग के कांगड़ा स्कूल का केंद्रीय विषय किसकी प्रेम कहानी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से नेचुरल सी बात है, आप सभी को क्लियर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, जल्दी से सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा एंड कृष्णा, ठीक है। पेंटिंग के कांगड़ा स्कूल का केंद्रीय विषय, ठीक है, किसकी प्रेम कहानी थी? राधा एंड कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के रिवॉल्सर से किस चरण का संबंध रहा है? ऑप्शंस हम यहाँ पर देखेंगे, ऋषि, जमदग्नि, ब्यास, लोमाश या फिर परशुराम। यहाँ पर ऋषि की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, मंडी के रिवॉल्सर से किस चरण का संबंध रहा है, यहाँ पर ऋषि की बात हो रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषि लोमेश, ठीक है। लोमाश भी आता है, लोमेश भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। मंडी के रिवॉल्सर से किस चरण का संबंध रहा है, रिवॉल्सर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी को आता होगा, सिंपल सा है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्लू। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, फिटर, लाइनमैन, एसएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शंस नहीं लिए तो जल्दी से ले लेना, टाइम कम है, एग्जाम निकल जाएगा, गारंटी आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको यहाँ पर अपडेट हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, गोची फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, क्या ये सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर बिलासपुर में? फ्रेंड्स, गोची उत्सव की जब भी हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति में गोची उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट देखेंगे,
जूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। ठीक है, जब भी फोक डांसर्स की बात आती है सिंपल सा आपको याद रखना है, सारे पढ़ के जाने, ऐसा नहीं कि कोई भी एक पढ़ लिया, ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर। नेक्स्ट हम देखेंगे किन्नर देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर बुक्स एंड रिटर्न भी अच्छे से देख लेना, ठीक है, अगर आप हिमाचल जीके पढ़ रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि हिमाचल जीके के ऊपर फोकस करो, जीके के ऊपर फोकस करो, इंडियन जीके का, और साथ में जनरल साइंस के ऊपर। ठीक है, ये सेगमेंट लेकर चलो अभी आप जनरल के लिए, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर जीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल, संस्कृत्यायन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट, द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शानन जल विद्युत परियोजना, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, जब भी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कितने मेगावाट की है, कौन सी नदी के ऊपर है। अगर किसी देश के साथ यहाँ पर MOUs समझौता है तो कौन सा देश यहाँ पर पैसा लगा रहा है, या फिर अदर कोई स्टेट वहाँ पर कोई समझौता किया हुआ है, या फिर कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोई अदर स्टेट, तो कौन सा कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का सबसे अधिक उत्पादक है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा। भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट इन HP। देखिए सिंपल सा है, सभी को आता होगा, ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समर हिल शिमला। नेक्स्ट हम देखते हैं चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पहले यहाँ पर कुलपति की बात हो रही है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डॉक्टर HR कालिया, ये याद रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कुनिहार घाटी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी सोलन, जो कुनिहार घाटी है वो कहाँ पे, सोलन में। देखिए खुद को चेक करिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से कितना आप टैकल कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, भादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ग्लेशियर भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनके कांगड़ा, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड मेयो किस वर्ष शिमला आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1871 में लॉर्ड मेयो शिमला आया था। नेक्स्ट देखेंगे हमीरपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, सी हमीरचंद, नाम से आप थोड़ा सा बना सकते हैं। उरुस्वती हिमालयन लोक कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा है। ठीक है, उरुस्वती हिमालयन, ठीक है, लोक कला संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, क्या ये किलोंग में, नग्गर में, पट्टा में, या फिर चंबा में, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नग्गर, आपको ये याद रखना है, नग्गर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुरा हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है, फोक डांस की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरमौर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे प्रागपुर का लोहड़ी पर्व किस स्तर का त्यौहार है, वेरी इंपॉर्टेंट, लोहड़ी फेस्टिवल ऑफ प्रागपुर की बात हो रही है। ठीक है, विच लेवल ऑफ फेस्टिवल, क्या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट का है, नेशनल का है, या फिर इंटरनेशनल का है, इस तरह के क्वेश्चंस भी अब एग्जामिनर पूछ रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट लेवल। दोस्तों प्रागपुर का लोहड़ी पर्व स्टेट लेवल का है। ठीक है, अभी बहुत जल्दी इसके ऊपर भी कुछ बातें हुई हैं कि इसको नेशनल लेवल का बनाना चाहिए। ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, फिर इसका ये स्टेट लेवल का हुआ। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टेट लेवल का है। ठीक है, प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है, शक्ति देवी की यहाँ पर बात हो रही है, सभी को आता होगा। ठीक है, खुद को चेकआउट करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छतराड़ी। ठीक है, शक्ति देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है, छतराड़ी में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजीव नैयर ने किस वर्ष परशुराम पुरस्कार जीता था, वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव नैयर की यहाँ पर बात हो रही है, परशुराम। देखिए जितना भी अब यहाँ पर सेगमेंट देखा करें, ठीक है, कि अब यहाँ पर अवार्ड्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी पूछेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1997 में।
ठीक है, परशुराम पुरस्कार जीता था राजीव नैयर ने। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बद्दी। ठीक है, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? बद्दी में है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, बंदली वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी। वाई एस परमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के, कब बने थे ये आपको बताना है। देखिए वाई एस परमार से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, डॉक्टर वाई एस परमार की यहाँ पर बात हो रही है, कब ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 24 मार्च 1952 को ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस हिमाचल रियासत ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था? और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है, हाई लेवल के एग्जाम में ज्यादातर इलाइट के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अब एचपी का जो जीके है वो एडवांस हो चुका है, इसमें अब कोई मैटर नहीं रह गया कि क्लर्क लेवल का है, क्लास थ्री का एग्जाम है, फोर का है, वन का, एट का है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज होता है, अदरवाइज आपको डीप से डीप एचपी जीके अब देखने को मिलता है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केहलूर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, श्री जे सी मल्होत्रा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मल्होत्रा अध्यक्ष थे। ठीक है, कहाँ के ये अध्यक्ष थे? क्या ये एचपीएसएससी शिमला, हमीरपुर, या फिर शिमला, ठीक है, या फिर यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, जे सी मल्होत्रा अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो आपको याद रखना है एचपीपीएससी शिमला। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है? देखिए कुल्लू जिले की विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पर संख्या पूछ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, हो सकता है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है कि कितनी विधानसभा की सीटें हैं वगैरह वगैरह, तो अच्छे से पढ़ के जाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार। यहाँ पर बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो आपको याद रखना है चार। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, कशांक जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? देखिए अब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर नदी पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलुज। अब देखिए जितने भी हिमाचल की नदियाँ हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, उनके नाम, प्राचीन नाम, ठीक है, और कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ पे ये अपनी और बाकी नदियों के साथ मिलती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, ठीक है, नदियों की, और हाइड्रो प्रोजेक्ट अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वेश्चंस के माध्यम से खुद को चेक एक बार जरूर करें। गुलेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स जब भी हम प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिचंद। गुलेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिचंद के द्वारा की गई थी। पिन वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत सिंपल सा है, ठीक है, सभी को आता होगा, बी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? अब देखिए विधानसभा का पहला चुनाव यहाँ पर बात हो रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 और 1952, ये भी आपसे ऑप्शन में देखने को मिलता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 51, और अगर ऑप्शंस में नहीं है 51 तो 52 भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, सीजीआई की बात हो रही है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी एन वी रमणा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कौन सा मिनी संविधान के रूप में किसे जाना जाता है? क्या 42, 57, 43 या फिर 29, जल्दी से बताइए, देखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42 संविधान संशोधन को, अमेंडमेंट को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। क्लियर,
नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद किसके पास है। इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे बहुत कम रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर क्या करना है, HPG के करना है, इंडियन GK करना है और साथ में जनरल साइंस, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शक्तिकांता दास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, सभी को आता होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रेणुका लेक। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। 2011 का जितना भी सेंसस है, ठीक है, जनगणना है, इंपॉर्टेंट की इफेक्ट पढ़ के जरूर जाइए, आपका फायदा यहाँ पर होने वाला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबा। नेक्स्ट देखेंगे, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौल स्पीति। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, लाहौल एंड स्पीति। जितने भी दर्रे हैं अच्छे से पढ़ के जाइए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, बहुत ही फेमस और आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। ऑप्शन बी, 1972। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ, ठीक है, आपको याद रखना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से जुड़ा है, ठीक है। नलवाड़ी जो मेला है दोस्तों, वो आपका बिलासपुर से जुड़ा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, भोजरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, भोजरी त्यौहार की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा, ये याद रखना क्योंकि ये यूनिक है और अभी ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जितना भी आप पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ा करें। प्रसिद्ध होली मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, होली मेला की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा सुजानपुर। नेक्स्ट देखेंगे, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, देखिए जितने भी पुराने नाम थे, ठीक है, सिटीज़ के, ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदौर। नेक्स्ट हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में YS परमार किसान स्वराज स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सोचिए, 3 सेकंड सभी के पास होते हैं सोचने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2014 में शुरू की गई थी। अब आपको करना क्या है, खुद को चेक एक बार जरूर करें कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, खुद को एनालाइज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और एक और बात, जल्दी से व्हाट्सअप कर लेना, लाइनमैन, SSC, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन और फिटर क्लर्क के लिए सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, MCQs अवेलेबल हैं, पढ़ के वो जाइए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे बाहर आ गया तो मैं आपकी जिम्मेवारी लूँगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको सारा का सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है और इम्पोर्टेंट ही पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है, टाइम की कमी है तो इम्पोर्टेंट पढ़ो, व्हाट्सअप कर लो किसी भी हेल्प के लिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।